सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है गेम वाला चैनल पे। गाइस ये है नोबिता और ये है शिजुका और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। अरे वेट, पर मुझे तो माइनक्राफ्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुम बोलती हो तो फिर ठीक है। वैसे आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम अपने लिए जरूरी इक्विपमेंट्स बनाएंगे, देन रहने के लिए घर और बहुत कुछ करेंगे। वो आज तो फिर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे मेरे एक सवाल है आप लोगों से, जितने भी लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं, आप लोगों को क्या पसंद है? एडवेंचर में जाना, माइनिंग करना या फिर कुछ अमेजिंग बिल्ड करना? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोबिता आप ना वुड लेके आओ, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? ओके, तो हमें अब तोड़ना है वुड और आप लोग को तो पता है कि यार वुड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग फेज में बिना वुड के हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं। तो यार मुझे 2 मिनट दो, मैं फट से वुड तोड़ के आपको मिलता हूँ। ओके यार, तो फाइनली हम लोगों ने वुड को तोड़ लिया है। अब हमें अपने लिए बनाना है एक एक्स और हमें उससे पहले बनाना होगा क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि विदाउट क्राफ्टिंग टेबल हमारा कुछ नहीं हो सकता है। बट हाँ यार लोग को क्राफ्टिंग टेबल से पहले मैं इसके वो फ्लैंक्स बना लेता हूँ एंड ये ओके, तो फ्लैंक्स से ही क्राफ्टिंग टेबल बनता है। ओके, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, पता था नहीं आता खेल तो क्या ही पता, लेकिन हमने बना लिया है अपना फर्स्ट क्राफ्टिंग टेबल। क्या बात है, 4 फ्लैंक्स के साथ। और इसी के साथ हम अपने लिए एक्स बनाएंगे क्योंकि एक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो यार हाथ से कब तक ट्रीज तोड़ोगे यार, हाथ से कब तक काम चलाओगे? ट्रीज तोड़ने के लिए भाई, ट्रीज तोड़ने के लिए। तो ओके फाइनली हमारे हाथ में एक्स आ चुकी है और हम ये एक एक्स बना ले, एक और एक्स शिजुका के लिए भी बना लेते हैं। नहीं तो वो बोले कि भाई तुम तो बड़े चीटर आदमी निकले, अपना काम करके निकल लिए। तो ये मैंने 2 एक्स बना दिया। अब चलते हैं शिजुका को ढूंढने। वो खाना लाने गई थी ना बाय द वे। हैं हेलो, शिजुका कहाँ चली गई? भाई कहीं बैठ के आराम कर रही होगी, मुझसे काम करवा रही होगी। नहीं है तो जिंदा। हाँ कि आराम ही करवा रही है, आराम कर रही है पक्का भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको। मेरे से मेरे को उसने बोल दी खाने का जुगाड़ करने जा रही हूँ, पर कहीं बैठ के सुस्ता रही होगी। फिर उसके पास कोई एनिमल आएगा, उसको मारेगी और आ जाएगी, बोलेगी तो खाना मिल गया। अब वो मेरे को शिप मिल गया भाई, इसको मारता हूँ। और ये जंप गया और ये क्या डरावनी सी जगह है। शिजुका कहाँ हो तुम? अरे डरपोक ऊपर देखो, मैं यही हूँ। डरता थोड़ी हूँ मैं किसी चीज से, वो तो मैं ऐसे ही, मुझे लगा तुम तो नीचे नहीं गिर गई, तो मैं बुला रहा था। मैं बहुत तेज हो रहा है। अरे शिजुका तुमको पता है मैंने तुम्हारे लिए एग्स बनाया, ये लो। क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। अरे यार अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। अरे नोबिता मुझे ना आगे एक विलेज दिखा, चलो वहाँ चलते है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ओह ऐसा है क्या, चलो जल्दी चलते है। प्रिया सावन की शेरी पसंद, चलो 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 चलो। भाई हमारी एंट्री हो चुकी है विलेज में और यहाँ पे मैं घर को पहले लूट चुका हूँ। अब मेरे सामने बचे ये सारा खाना, अब इसको तो मैं लूटूंगा लूटूंगा, क्योंकि तुम लोग को पता है यार कि इतनी मेहनत करने से अच्छा लूट लो यार। वैसे भी कोई भी दिखने लगा तो फटाफट से लूट लेते हैं एंड जितना जल्दी हो सके मैं सबको लूट लेता हूँ फटाफट से। और लेकिन यार मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है भाई, पूरा गाँव सुनसान लग रहा है। मुझे लगता है ना कि इस विलेज के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। क्या मतलब? लगता है यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को अटैक हुआ होगा और सारे विलेजेस को मार दिए होंगे। अरे तो भाई ऐसे हॉरर स्टोरी सुना रही है फिर मार रही है, अरे शर्म कर ले पापी लड़की, थोड़ा सा सुधर। और ये ओ क्या बात है गाइस, हमें मिल चुका है एक स्वॉर्ड, गजब यार, स्टोन का स्वॉर्ड। और हमें भाई ये स्टोन का हमें पिकैक्स भी मिला था। वैसे उस घर में अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो फायदा पे कभी कभी जो घर गाँव लूटने के अलग ही फ़ायदे होते हैं। भाई कैसा शापित विलेज था, मैं सही बता रहा हूँ, इतना तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं डरा बे जितना यहाँ पे चीज़ें। अरे डरपोक इधर आओ वरना भटक जाओगे और तुम्हें भी ज़ॉम्बीज़ ले जाएंगे। नहीं तो तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ ना, मुझे ज़ॉम्बीज़ से क्या लेना देना। अरे जहाँ तुम वहाँ मैं, चलो 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 आगे के चलो। जिंदगी सवाल दो इतना ही बहाल दो, मत बहाल तुम, चलो भटक गई है क्या? भाई देखो तो बात ऐसी थी कि हमको अपने लिए प्लेन सी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे अपना घर बना सके। बहुत मुश्किल हो रहा था हमें ढूंढने में, लिटरली बता रहा हूँ। बट यार फाइनली थोड़ा ढूंढ के मैं आप लोगों से मिलता हूँ ना, अब ज़्यादा घुमाऊंगा आप लोगों को तो आप लोग भी घूम जाओगे, तो रुक जाओ उससे अच्छा। चलो नीचे चलते हैं, रात हो गई है वरना ज़ॉम्बी चीनी नहीं देंगे। मैं नहीं आ रहा नीचे, गिर जाऊँगा, चोट लग जाएगी मुझे ना। भाई क्या लड़की है बे, तुम्हारा बेड कहाँ है शिजुका? आपके पास है। एक बेड भी लगाना नहीं आता। जी इसमें मेरी गलती थोड़ी थी, वो बेड आगे चली गई तो मैं क्या करूं। ओके यार, तो देखो भाई फाइनली माइनक्राफ्ट की दुनिया में हमने अपनी पहली सर्वाइवल नाइट कंप्लीट कर दी है भाई। अब उसके बाद हमें करना है अपने आपको अपग्रेड। एंड तुम लोगों को पता था कि मेरे पास जो पिकैक्स थी वो स्टोन की थी, लेकिन देखो एक से तो कुछ काम नहीं चलेगा ना, मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना था, जिसकी वजह से मैं आ चुका हूँ माइनिंग करने के लिए। तो फिलहाल हम जरूरत की चीज़ें माइनिंग करेंगे। अपने लिए पहले तो हम घर बनाएंगे भाई, क्योंकि कुछ हो ना हो छत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी भी हमारे पास और कपड़ा भी। बस मकान की कमी है, मकान बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे सामान। फिलहाल हम स्टोन तक जाएंगे क्योंकि स्टोन से हमें अपने लिए जो एक्स और पिकैक्स वो सारी चीज़ें बनानी है। फर्नेस बनाना भाई, खाना कैसे खाओगे, कच्चा खाना तो खा नहीं सकते ऑब्वियसली। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा ज़्यादा मैं स्टोन जितना माइन कर सकता हूँ फटाफट से तोड़ लेता हूँ ताकि मज़ा आ जाए। वाह छोटी किस्मत भाई, पिकैक्स तक टूट गई यार। चलो तुम जल्दी से ये लैंड साफ कर दो। ओके, शिजुका ने साफ सफाई का काम किया तो फटाफट से गाइस मैं इस लैंड को साफ कर दूँ, क्योंकि यहाँ बनाने वाला अपने बहुत ही प्यारा सा घर जहाँ पे हम रहेंगे मस्त से मज़े से एंड दुनिया वाले से दूर तारों की शहर में। तो यार मुझे फिर से 2 मिनट दे दो, मैं जल्दी सबको साफ सफाई करके मिलता हूँ। बाय वो। ओके भाई लोग, सो देखो यार हमने फाइनली अपने से सब कुछ बना लिया। अब हम लैंड पे हमारा क्लियर हो चुका। अब हमें चाहिए वुड जिससे हम अपना घर बनाएंगे। तो अगेन मेरे भाई लोग फिर समझो कुछ टाइम दो, मैं जल्दी से वुड तोड़ के आप लोगों को मिलता हूँ। शिजुका ये देखो मुझे क्या मिला, मुझे तरबूज मिले बहुत सारे, खाने का जुगाड़ हो गया। ये तरबूज क्या होता है? अरे तुम्हें तरबूज नहीं पता? ये एक फ्रूट होता है बुद्धू, इसे खाया जाता है, बड़ा होता है गोल गोल सा। ये देखो। अरे ये तो वाटरमेलन है क्या? वाटरमेलन कुछ नहीं, तुम तरबूज ही बोलो। चलो अब अपने घर बनाने के लिए ना सारे सामान ले आते हैं। ओके भाई, तो देखो यार बात ऐसी कि अब हम जल्दी से जल्दी वो करके लेके आते हैं जो अपने वुड्स वगैरह जो हमें लगने वाले हैं, वो सारे वुड्स तोड़ के लेके आते हैं। शिजुका ने ऑर्डर दिया है कि देखो अगर घर में रहना है तो काम करो, नहीं तो मैं घर में रहने नहीं दूंगी। अब भाई घर बनाना आता उसे, मुझे आता नहीं है भाई। तो चलो यार जो उसने बोली वो करना पड़ेगा, नहीं तो भगा दे घर से। और हम फटाफट से ये वाइट वाले वुड को भी कलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो मैं मिलता हूँ थोड़ा सा यार। सारे वुड ले लेता हूँ, देखो नाम ज़्यादा मुझे पता नहीं तो हंसना मत प्लीज़। तो मैं सारे वुड कलेक्ट करके मिलता हूँ तुमको। जैसे 2 मिनट दे दो गरीब को, भला हो जाएगा तुम्हारा। तोड़ो 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 लकड़ियाँ तोड़ो, बहुत सारे काम है, ला 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 ला। यहाँ गई है भाई साहब। ओके ये भी हमें ज़रूरत है, मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है। भाई लकड़ियों की बोला, लड़कियों की नहीं बोला, बता रहा हूँ, नहीं तो केस ना कर दो कोई। ओके भाई, तो एक और चीज़ हमें चाहिए थी कि हमें अपने घर में जो मिरर लगाना था, तो मिरर के लिए ऑब्वियसली मिरर सैंड से बनता है। तो चलो कुछ सैंड्स के हम जो ये है ये भी उठा लेते हैं, ताकि हमारे पास जो हमारी मिरर है मिररिंग के लिए काफ़ी काम हो जाए। ओके भाई लोग, सो यार फाइनली देखो हम सारे सामान लेके आ चुके हैं। एंड थोड़ा कट कट करके समझ जाना यार थोड़ा सा प्लीज़। एंड ये देखो ये हमारा फाइनली लैंड है जहाँ पे हमारा होने वाला है बहुत ही प्यारा सा एंड क्यूट सा घर यार, एकदम मस्त सा, जहाँ हम रहने वाले हैं। एंड देखते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ देखने के लिए कि कैसा घर बनाएगी शिजुका। तब तक फिलहाल मैं काम करता हूँ। चिकन पक गया, ओ माय गॉड। ओके शिजुका कोल ज़रा तुम डाल देना ना, मैं सिर्फ वो रख देता हूँ यहाँ पे, सैंड्स रख देता हूँ ना मेरे वो कांच बनने के लिए, ठीक है? ओके भाई, तो शिजुका अपना वो काम कर ले कि मैंने उसको बोल दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉल्स पड़े थे। हमने कल से हमारे जो चेस्ट में बहुत सारे कॉल्स पड़े होंगे। तो चलो हम ओ हो देख रहे हो गाइस यहाँ पे बारिश जाते हुए और काफ़ी ही क्यूट सा प्यारा सा दिन होते हुए। अब हम अपना घर बनाने का जो काम है वो प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए बहुत ही मस्त सा घर बनाना है, ऐसा घर कि जहाँ पे हम खुशी खुशी रह सके। तो आज हम आपको मिलाने वाले किसी हमारे खास इंसान से, जो कि है इंजीनियर कम आर्किटेक्चर कम मजदूर, जो हमारा घर बना रहे हैं। ए मजदूर किसको बोले? हाँ हे शिजुका, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस मान गई। अरे ले, अच्छे बच्चे सीरियस नहीं मानते, इसलिए बोलते हैं गाइस इंसान को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फालतू के काम में लगा दी मुझे। फैंस को लगाए जा, जल्दी से काम किए जा। गलत काम क्यों जाते हुए फालतू में, फिर वो अभी नहीं। हेलो क्या हाल चाल शिजुका जी, शायद हो जाओ भाई। नहीं हो रही साइड, देख रहे हो एटीट्यूड देख रहे हो लौंडिया का, हटना नहीं भाई उसने। कोई ना मत हटो, तुम लगा लेना उधर, मैं तो जा रहा हूँ। और ये लगाए जा। शिजुका खाना मिलेगा क्या, भूख लगी है थोड़ी सी? लगी तो ज़्यादा ही है। और ये हमारा काम कंप्लीट होने आ गया, हम पूरा का पूरा घेर देंगे ताकि जॉम्बीज वगैरह ना आए। अरे शिजुका देख क्या रहे हो, अच्छे से काम करो अच्छे से। आप तो खुद कुछ करते नहीं और मुझे बोल रहे हो। हे गाइस अब शिजुका के बात पे ध्यान मत दो, वो तो मजाक कर रही है। आओ मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। काम करना पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा टेंशन के साथ। और ये बेचारी शिजुका धूप में अकेले काम कर रही है। ओए शिजुका जूस चाहिए? हाँ दो। चलो हम भी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं शिजुका का। उप्स ये तो रॉन्ग हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ओए माँ मार क्यों रही है? कुछ करने तो आता नहीं। चलो मेरा जूस दो। यो भाई लोग, सो यार फाइनली देखो हमारा घर बहुत ही प्यारा सा तैयार हो चुका, जिसे बिल्कुल मैंने तुम्हारे भाई ने बनाया। ओ हेलो, मैंने भी बनाया है। क्या अकेले अकेले खुद क्रेडिट ले रहे हो? हाँ भाई लोग, इसने भी बनाया है। थोड़ा सा लकड़ियाँ जोड़ने में इसने हेल्प करी थी, बाकी तो भाई पूरा काम मैंने ही किया सही ईमानदारी से। और यार देखो मैं गरीबों का क्रेडिट ऐसे ही नहीं लेता हूँ भाई, और इनका तो गलती से भी नहीं। सर क्रेडिट लिया ना भाई, ये जान से मार देगी मेरे को। तो भाई सारा का सारा घर इसी ने बनाया। ये है हमारी पार्किंग, जहाँ पे हमारी मर्सिडीज, BMW और फरारी ऐसी टाइप की गाड़ियाँ रहने वाली है, अगर औकात के अंदर आए तो। बाहर की हो तो फिर हम 900 मतलब छोटी मोटी गाड़ी से कम चला लेंगे। और ये है हमारे घर का एंट्रेंस, जहाँ हमने फूल लगा रखे क्योंकि गाइस फूल खिले गुलशन। अरे नोबिता देख के, पीछे लैंटर्न है, चल जाओगे? शिजुका तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। बाय द वे गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि यार हमारा घर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो देखो यार एक्चुअली चौड़ाई इसकी छोटी नहीं है, बस हमारे पास लकड़ियों की कमी है और उसको ज़्यादा टाइम लग रहा था, जिस वजह से हम टाइम सेव करने के लिए इस घर को छोटा कर दिए। बट इफ़ यू वांट हम इस घर को बड़ा करेंगे। कमेंट करके बताओ कि हम इस घर को बड़ा कर दें, तोड़ फोड़ के रिबिल्ड करेंगे। तो गाइस होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, इसलिए एक लाइक तो करना बनती है टू मोटिवेट अस। एंड वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। तो अब हम चलते हैं। Take care and bye. Nobita, bye bolo. Bye bye guys, see ya.